सो है वॉस गोइंग ऑन गाइस, और आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं शो के इस गिबलेट का। और यहाँ पर आज हमारी रेड भी आ चुकी है, और सबसे पहले हम लोग समन करते हैं 10 डेज़ का जो फ्री लॉगिन टिकट का जो समन रहता है बेसिकली। सो लेट्स सी क्या मिलता है हम लोगों को। और आज की वीडियो में हम लोग करेंगे गिबलेट का शो केस, और साथ में गाइस आज फाइनल रेड आ चुकी है हमारी, और 600 ZPowers आप फ्री के ले सकते हो वहाँ से। और साथ पे यहाँ पर भाई LF मार्जिन वजीरा, ये भाई बहुत बार मिल रहा है मेरे को रिसेंट समन्स में। सो ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट गिबलेट नाउ। सो यहाँ पर आप इवेंट सेक्शन में जैसे ही जाते हो, अगर आप एक पुराने प्लेयर हो तो आपको ऑलरेडी ये इजीली लाइक मिशंस के टैब में, आपको यहाँ पे इवेंट के टैब में आपको यहाँ पे मिलेंगे, आपको एक्सेप्ट ऑल करना है। और अगर आप नए प्लेयर हो, सिंपली आपको क्या करना है, आपको Part 1 से लेकर Part 7 तक आपको स्टोरी मोड खेलना पड़ेगा Part 7 तक। और वहाँ पे जैसे ही आप करोगे उसके बाद आपको ये गिबलेट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सो यहाँ पे फटाफट से एक्सेप्ट ऑल गया। उसके बाद एक तरीका तो ये है मिशंस, दूसरा तरीका यहाँ पे अभी मेरे पास 7 स्टार, दूसरा तरीका आपको Z2 मेडल, Z2 करके मेडल आता है। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ से इसको एक्सचेंज करके, अभी मेरे पास कम है तो इसलिए मैं अभी लिमिट ब्रेक नहीं कर सकता, यहाँ से इजीली एक्सचेंज करके आप इन्हें यहाँ से एक्सचेंज कर सकते हो गिबलेट को। और ये आपको Z2 मेडल कहाँ से मिलेंगे, ये आपको बेसिकली समन करना है। अगर आप पुराने प्लेयर हो तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, जो नए लोग हैं उनको भी बता देता हूँ कि जितना हो सके आप समन करोगे तो अगर आपको एक ही यूनिट बार बार मिलती है कोई पुराने करेक्टर जो आपके पास ऑलरेडी 14 स्टार है, सो वो अगर बार बार मिलते हैं तो उनसे आप Z2 मेडल से इसको आप आराम से 14 स्टार कर सकते हो। और हम लोग यहाँ पर, और साथ में नई स्टोरी भी आई है अभी, जो मैंने अभी जस्ट बैक करके आप रिवाइंड करके देख सकते हो, स्टोरी भी आई है। स्टोरी में जाके स्टोरी मोड से नई स्टोरी, थोड़े और क्रिस्टल्स कर सकते हो जमा। और साथ में मैं इसे कर रहा हूँ सेंस की टीम में अल्ट्रास्टिंग गोकू, साथ में गिबलेट, और साथ में लास्ट में आपका शैलोट। सो बेसिकली सेंस की टीम है। सो यहाँ पर इक्विपमेंट्स मैंने कुछ खास नहीं लगा, इक्विपमेंट स्ट्राइक डिफेंस, बेस डिफेंस, लास्ट डिफेंस, स्ट्राइक डिफेंस, और लास्ट अटैक और स्ट्राइक अटैक, बेसिकली ये मैंने तीनों को ऑलमोस्ट इक्वली ही इक्विपमेंट्स दिए हैं। और गेम ओरिजिनल का भी एक इक्विपमेंट आता है, अगर आप इक्विपमेंट सेक्शन पे जाते हैं वहाँ पे आप लोग गेम इक्विपमेंट, एक गेम ओरिजिनल का भी इक्विपमेंट आपको देखने को मिलता है। तो वहाँ से आप शैलोट के लिए और गिबलेट के लिए दोनों के लिए फार्म कर सकते हो। और वहाँ पे मैंने एक्चुअली में बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करी, 600-700 एनर्जी वेस्ट करी, लेकिन उसके बाद भी कुछ ढंग का लाइक एस या सी स्लॉट का इक्विपमेंट आया नहीं, काफ़ी लाइक बैड उसमें लक चल रहा था इक्विपमेंट में। तो फिलहाल लाइक जो नॉर्मल मेरे पास सेंस के इक्विपमेंट थे मैं उसमें लगा रहा हूँ। सो फिलहाल हमारे पास गिबलेट है 7 स्टार का। तो अभी मैं इसके किट के बारे में बात करूँ तो ये यहाँ पर हमारे रेड एलिमेंट को देखने को मिलता है, और इसकी मेन एबिलिटी जो है अगर आप वो प्रेस करते हो तो आप 30 सेकंड्स के लिए आप न्यूट्रल जाते हो, ब्लैक एलिमेंट, बेसिकली डार्क एलिमेंट पे आप जाते हो, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी स्ट्राइक अटैक ब्लास्ट अटैक इसका ठीक है, और डिफेंस वाइज भी ठीक ठाक है। बाकी जितनी बार भी एनिमी आपका आई थिंक स्विच करता है, और जैसे गिबलेट की हेल्थ अगर 50% या उसके बिलो होती है, थोड़ी सी अपनी ये हेल्थ रिकवर करता है 15% आई थिंक, और उसके बाद भी ये टाइम कुछ टाइमर काउंट्स के लिए ये डार्क एलिमेंट के लिए जाता है। लाइक इसकी किट में है, मैंने थोड़ी इसकी किट पढ़ी थी, दैट्स प्रीटी गुड। और ग्रीन कार्ड से इसको एक रैंडम कार्ड मिलता है, साथ ही में इसका जो ये ब्लू कार्ड है ये नॉर्मल है, जो डिफ़ॉल्ट वाला, जो नॉर्मली जैसे आप शैलोट जब नया नया यूज़ कर देते लाइक गेम में, जब नया नया आया था शैलोट तो उसके बाद डिफ़ॉल्ट ये ब्लू कार्ड था, तो वही सेम ये डिफ़ॉल्ट ब्लू कार्ड गिबलेट को दिया गया। सो आई थिंक मेरे ख्याल से ये एक तरह से टेस्टिंग है लेजेंड्स डेव की तरफ से, कि एक डार्क एलिमेंट का जस्ट कैरेक्टर लाइक डाल के देखते हैं गेम में किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है कम्युनिटी से। सो आई थिंक ये और भी फ्यूचर में कैरेक्टर्स ला सकते हैं जिनके पास ऐसे एबिलिटीज डाले जिन पे बेसिकली डार्क एलिमेंट हमें देखने को मिले। और गाइस अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है Part 3 अल्ट्रा प्रेडिक्शंस की, यहाँ पे आप लोगों को थंबनेल दिख रहा होगा उस वीडियो का, जस्ट चैनल पे मैंने डाली है, इस वीडियो से पहले वाली वीडियो है, उसमें काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए हैं अभी, तो उसके लिए सपोर्ट के लिए थैंक यू। और जिन लोगों ने नया चैनल सब्सक्राइब किया है थैंक यू सो मच गाइस सपोर्ट करने के लिए। और अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो, चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो और DBL कम्युनिटी को सपोर्ट करो ताकि हम लोग 1000 सब्सक्राइबर्स के टारगेट पर पहुँच सके, और धीरे धीरे करके और भी ऐसे ही बेटर कंटेंट आएगा। और यहाँ पर पता नहीं भाई कनेक्शन क्यों अनस्टेबल हो गया था आजकल, भाई लेजेंड्स वालों की तरफ से लाइक आप लोगों ने नोटिस किया होगा लाइक इन लोगों का कनेक्शन बार बार ख़राब हो जाता है, और बार बार गेम मेंटेनेंस पे चला जाता है, और उस चक्कर में लाइक बट ये भी है कि हमें CCs भी मिले हैं, बट अगेन लाइक ड्रैगन बॉल लेजेंड्स के सर्वर्स लाइक इस एनिवर्सरी बहुत ज़्यादा लाइक अनस्टेबल हो रखे हैं, और उस वजह से लाइक कनेक्शन में बहुत इशूज़ आ रहे हैं।
और यहाँ पर देख सकते हो भाई गिबलेट का डैमेज, नाइस, सो दैट्स प्रीटी गुड। सो जैसे कि मैंने कहा कि लाइक डेव्स ने बेसिकली लाइक गिबलेट को एज अ डार्क एलिमेंट कैरेक्टर यहाँ पर डाला है, और इसको बेस फॉर्म में ही क्यों डाला, अगर ये लोग चाहते तो इसे लाइक स्टोरी मोड अगर आप लोगों ने खेली है तो स्टोरी मोड में गिबलेट के पास है एसएसजे गॉड, राइट, तो एसएसजे गॉड लाइक ये लोग चाहते तो उसे एसएसजे गॉड भी लाइक एज अ एसएसजे गॉड कैरेक्टर भी हमें दे सकते थे, लेकिन इन्होंने इसको डार्क एलिमेंट तो दिया है, चलो अच्छी बात है, बट इन्होंने इसे बेस फॉर्म में दिया है। अब इन्होंने इसे बेस फॉर्म में क्यों दिया है, अब वही मैं कह रहा हूँ कि एक तरह से लाइक ये एक टेस्टिंग हो सकती है कि चलो भाई एक डार्क एलिमेंट का कैरेक्टर डाल देते हैं कुछ टाइमर काउंट के लिए और देखते हैं भाई मेटा में कैसा परफॉर्म करता है या कम्युनिटी का लोगों का कैसा रिस्पॉन्स रहता है, उसके अकॉर्डिंग फिर आगे ये लोग शायद इंप्लीमेंट करेंगे। लाइक ऐसा करते हैं ये लोग धीरे धीरे करके, अभी ये लोग गेम ओरिजिनल्स पे भी थोड़ा बहुत बफिंग कर रहे हैं, सो डेफिनेटली ये कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं। आगे में भी फ्यूजन देखने को मिल सकता है हमें शैलोट और गिबलेट का, जो कि शायद फ्यूज होकर डार्क एलिमेंट में हमें देखने को मिले, ऐसा कुछ डेफिनेटली ये लोग कर सकते हैं, कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं ये। सो उसी के लिए ये लोग भाई कुछ ना कुछ लाइक नया कुछ मैकेनिक या कुछ नया ये लोग एबिलिटी या कुछ नई चीज़ें जब गेम में डालते हैं तो उसी को टेस्ट करने के लिए और इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए ये कुछ ना कुछ एक तरह से एज अ टेस्ट सैंपल कह सकते हो ये लोग डालते हैं कि भाई कम्युनिटी का रिस्पांस कैसा है या गेम में कैसी वो चीज़ चलती है या परफॉर्म करती है, उसके अकॉर्डिंग ये आगे स्टेप लेते हैं। सो बट दैट्स प्रीटी गुड, लाइक आर्ट काफ़ी इसकी अच्छी है, किट इसकी लाइक डिसेंट है फॉर अ F2P कैरेक्टर, इट्स प्रीटी गुड। और यहाँ पे UI हमने स्विच कर लिया है, UI भी अभी भी स्टिल गॉट, और मेरी पार्ट 3 के प्रेडिक्शंस जाके देख लेना और उस वीडियो में भी कमेंट करके बता देना भाई मेरे प्रेडिक्शंस कैसे लगे। और चैनल पर नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, DBL कम्युनिटी को सपोर्ट करो। और यहाँ पर भाई इसने रश लगा दिया, मुझे लगा ही था, लेट्स सी, ओके लेट्स वेट। और गाइस कमेंट करके बता सकते हो चाहो तो कितने सीसी है आपके पास, मेरे पास करेंटली अभी आई थिंक 9000 सीसी है, आई थिंक जो आज की रेड आई थी मैंने उससे लाइक 700 सीसी इकट्ठे कर लिए, और उसके अलावा हमारे पास ज़ेनकाई GT SSG3 गोकू का ज़ेनकाई आ चुका है और वहाँ से 300 सीसी है, तो टोटल 1000 सीसी मैंने इकट्ठा कर लिए। सो अभी मेरे पास 9000 क्रिस्टल्स है, यहाँ पे साइड में आपको स्क्रीनशॉट में दिख रहा होगा, और देखता हूँ गाइस होपफुली मैं पार्ट 3 के आने से पहले आई थिंक मेरे पास 10K तक हो जाएंगे, 10 या 11K, लेट्स सी, बट 9K तो हो ही गया, 9K मतलब कि एटलीस्ट 3 रोटेशन अगर एक सिंगल बैनर आता है, जो कि मैं होप कर रहा हूँ भाई सिंगल बैनर ही आए, सो मैं आराम से 3 रोटेशन कर पाता हूँ। सो इस बार गाइस काफ़ी एनिवर्सरी में मैंने लाइक सेव किया, हर बार लाइक कंपेयर टू प्रीवियस एनिवर्सरी लाइक इस बार मैंने बहुत ज़्यादा CC सेव करे ग्राइंड कर करके, लाइक पिछली बार लाइक पिछले एनिवर्सरी और इवेंट्स में लाइक लेजेंड फेस्ट है या कुछ है उनमें मैं क्या करता था, उनमें मैं इतना सेव नहीं करता था, उनमें लाइक जैसे अगर 1000 CC आ गए स्टेप 1 पे तो मैंने समन कर दिया, उसके बाद स्टेप 2 पे उसके बाद फिर 1000 CC आ गए मैंने समन कर दिया, उसके बाद स्टेप 3 पे फिर 1000 CC आ गए मैंने फिर समन कर दिया। अगर मेरी पुरानी समनिंग की वीडियो देखी होगी आपने या जो लोग लाइक काफ़ी टाइम से फॉलो करते हैं मुझे, उन लोगों को पता होगा मैं एक्चुअली में ऐसे करता था, मैं इकट्ठा लाइक एक साथ कलेक्ट करके नहीं करता था समन, लाइक जैसे ही 1000 CC आ रहे समन कर दिया, उसके बाद स्टेप 2 पे जैसे ही 1000 CC आए समन कर दिया, फिर स्टेप 3 पे वही सेम चीज़ लाइक जैसे ही आ रहे उस टाइम CC लाइक कर दिया रिकॉर्ड, अलग अलग लाइक अलग अलग हर एक अलग अलग स्टेप पे वीडियो रिकॉर्ड कर देता, फिर उसके बाद रिकॉर्ड करने के बाद उसका ही एक तरह से कंपाइल बना के और फिर बाद में मैं उसको समनिंग वीडियो डाल देता था। लाइक काफ़ी बार मैंने ऐसा किया है, बट इस बार मैंने एनिवर्सरी पे क्या किया कि इस बार मैंने काफ़ी अच्छा अमाउंट ऑलरेडी लाइक सेव किया हुआ था और एक ही साथ हमने बंच में समन्स किए, सो दैट्स अ प्रीटी गुड थिंग। और यहाँ पर इसका अल्टीमेट गोहान ये बंदा यूज़ कर रहा है सन फैमिली की टीम, और यहाँ पर अल्ट लगा देते हैं भाई इसको। सो गाइस लेट्स सी पार्ट 3 पे क्या आता है, और यहाँ पे अल्ट में, और गाइस पता नहीं चला गाइस कि मतलब ये वाली एनिवर्सरी इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गई, लाइक लिटरली पता नहीं चला, मतलब अभी भी भाई ऐसा लग रहा है कि अभी पार्ट 1 अभी जस्ट शुरू हुआ है एनिवर्सरी का, सो दैट्स वेरी क्रेजी। यहाँ पे शैलोट आ गया हमारा, शैलोट को भी मैंने एक्चुअली में कभी शोकेस नहीं किया, लाइक आई थिंक ये 5th एनिवर्सरी पे आया था शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कमेंट करके बता सकते हो, 5th एनिवर्सरी या फिर लेजेंड फेस्ट 2023 मे बी, पर जहाँ तक मुझे लगता है आई थिंक 5th एनिवर्सरी पे आया था शायद ये, इसका जो ये SSJ ब्लू वाला फॉर्म है आई थिंक 1 ईयर तो हो ही गया ऑलमोस्ट इसे, तो
शेलोट के पास भी लाइक अच्छा लाइक ट्रांसफॉर्म होने के बाद उसको डबल कार्टर स्पीड मिलती है लेवल 2 की, सो वो काफ़ी इंसेन है और वो भी परमानेंट है, वो भी कैंसिल नहीं हो सकती, परमानेंट है, सो काफ़ी अच्छा है। सो अभी देखते हैं भाई नेक्स्ट फॉर्म क्या मिलेगी शेलोट को, एवोल्यूशन ब्लू मिलेगा या SHJ4 मिलेगा क्योंकि उसके पास टेल भी है, या फिर कोई और ट्रांसफॉर्मेशन। और यहाँ पे गिब्लेट से रश लगा देते हैं, लेट्स सी। यहाँ पे पैन तो गई इसकी सुपर हीरो पैन, लेट्स वेट। सो यहाँ पर काउंटर देख सकते हो भाई, टाइमर देख सकते हो, 90 काउंट्स पे पहुँच गए। और यहाँ पर गिब्लेट का आउटफिट काफ़ी लगता अच्छा लगता है लाइक, क्योंकि शेलोट का बेसिकली ये ट्विन ब्रदर है। और मुझे ऐसा लगता है गाइस जो अभी मैंने लाइक जो स्टोरी मोड आई है नई, मैंने स्टोरी मोड भी खेली थोड़ा बहुत सीसीज वहाँ से हुए, जो नया रेड आया थोड़ा सीसीज वहाँ से हुए, और जो ज़ेनकाई SHJ3 GT गोकू किड गोकू का ज़ेनकाई है थोड़ी सीसी मैंने वहाँ से फार्म करे, तो वहाँ से टोटल मिला के अच्छे खासे अभी डिसेंट सीसीज पे मैं पहुँच गया हूँ। तो स्टोरी मोड पे मुझे एक चीज़ लग रही है अभी जो नया स्टोरी मोड है उसमें लाइक मुझे ऐसा लगता है, आगे मैं स्पॉइल नहीं करूँगा जिन लोगों ने स्टोरी अभी तक खेली नहीं है नए अपडेट की, तो मैं स्टोरी मोड में ये नहीं बताऊँगा कि अभी हुआ क्या है उसमें, बट उसमें हमें आगे कंटिन्यू की स्टोरी देखने को मिलती है। और लाइक उससे जो प्रीवियस स्टोरी है उसमें हमें गिब्लेट देखने को मिलता है कि गिब्लेट लाइक ब्रॉली उससे लड़ता है डार्क एलिमेंट की वाला, जो बेसिकली जहा उसे लाइक हिप्नोटाइज कर देता है, और उसमें हमें देखने को मिलता है गिब्लेट क्योंकि ब्रॉली वर्सेस गिब्लेट की फाइट हमें देखने को मिलती है स्टोरी मोड में। और उसमें हमें देखने को मिलता है कि भाई ब्रॉली ने गिब्लेट को किल कर दिया है उसमें, बट ऐसा मुझे लगता है कि अभी जो आगे स्टोरी होगी उसमें शेलोट किसी भी ट्रबल में अगर फंसेगा तो उसको हेल्प करने के लिए गिब्लेट आएगा और हमें रिवील देखने को मिलेगा कि गिब्लेट इज स्टिल अलाइव, ऐसा हमें शायद देखने को मिले। और यहाँ पे जी गिब्लेट का काफ़ी अच्छा यहाँ पे विंड स्क्रीन। सो जैसा मैंने कहा गिब्लेट को हमें स्टोरी मोड में दिखाया कि इन्होंने कि गिब्लेट इज़ डेड, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो एक तरह से फेक आउट हो सकता है, और मे बी आई मीन ये मेरा ओपिनियन है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है एक्चुअली में गिब्लेट का कैरेक्टर इन्होंने ऐसे दिखाया हो और बाद में ये लोग ड्रैगन बॉल से उसे अलाइव कर दे, ड्रैगन बॉल से ज़िंदा कर दे, तो ऐसा पॉसिबल कर सकते हैं। बट जहाँ तक मुझे लगता है कि मतलब गेम में ये लोग शेलोट को ऐसे दिखा सकते हैं कि शेलोट किसी ट्रबल में है और उसमें कोई भी उसकी हेल्प करने के लिए नहीं है, तो उस टाइम गिब्लेट आएगा आउट ऑफ नोवेयर, गिब्लेट उसकी हेल्प करने आएगा, जैसे एनीमे में हमें देखने को मिलता है कोई कैरेक्टर ट्रबल में होता है या कुछ होता है तो कोई और दूसरा कैरेक्टर अपनी बीम वगैरह मार के लाइक सीन देखने को मिलता है, कोई दूसरा कैरेक्टर बीम लगा के उसे सेव करने के लिए आ गया, तो वही सेम चीज़ हमें यहाँ पे आगे की स्टोरी मोड में मुझे ऐसा लगता है देखने को मिल सकती है, हमें एज अ रिवील हो सकता है कि भाई गिब्लेट अभी भी भाई अलाइव है और वो शेलोट की हेल्प करने के लिए आ गया है, लाइक जितने भी भाई एनिमी और ट्रबल्स आगे फेस करेगा शेलोट स्टोरी मोड में, तो ऐसा मुझे लगता है। और ये मुझे लगता है जो अभी की जो नई लस अभी लाइक कल परसों ही जो हमें स्टोरी मोड देखने को मिली है उसमें जो हमें अपडेट देखने को मिला है अभी लेटेस्ट स्टोरी में जो सिनेरियो चल रहा है उसको देखकर मुझे लग रहा है अब जो लोगों ने भाई स्टोरी मोड अभी फ़िलहाल नहीं खेला है उन लोगों के लिए मैं स्पॉयलर नहीं बताऊंगा भाई स्टोरी में एक्चुअली में क्या है, बस हाँ उसमें इतना मैं बता सकता हूँ कि शेलोट कुछ ना कुछ डेफिनेटली एक फिर से एक ट्रबल में है और उस ट्रबल से सेव करने के लिए उसको मुझे लगता है लास्ट में गिब्लेट शायद आ सकता है अगर ये लोग इस लाइन में जाए, और वो काफ़ी अच्छा होगा देखने का, लाइक एक अच्छा रिवील हो सकता है कि हाँ भाई गिब्लेट अभी भी सही है, क्योंकि लाइक स्टोरी मोड में लाइक अगर आपने लास्ट एक दो अपडेट पहले अगर स्टोरी मोड देखी हो उसमें शेलोट कहता है हरक्यूल वगैरह से कि भाई अभी गिब्लेट भाई ऐसा लाइक गिब्लेट मर नहीं सकता, गिब्लेट अभी भी अलाइव है, क्योंकि तो वो पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि गिब्लेट अभी भी अलाइव है, तो वो कहता है क्योंकि वो मेरा ट्विन ब्रदर है इसलिए मुझे पता है कि गिब्लेट अभी लाइक कम्प्लीटली सेफ है। तो अगर हम उस थ्योरी पे जाए शेलोट एज अ कैरेक्टर जो सोचता है अपने ट्विन ब्रदर के लिए गिब्लेट के लिए, तो उस थ्योरी में जाएँ तो पॉसिबली ऐसा मुझे लगता है आगे ये लोग रिवील कर सकते हैं कि मे बी Part 3 के बाद लाइक Part 3 का जो रिवील स्टफ आएगा 9 जुलाई को लाइक 10 जुलाई को हमें देखने को मिल सकता है कौन सा कैरेक्टर आ रहा है या जो भी आ रहा है। सो होपफुली लाइक 10 जुलाई को जो भी वो आए आपका कैरेक्टर्स और बैनर अल्ट्रा का होपफुली ये लोग स्टोरी कंटिन्यू करें आगे की जो इस हफ्ते की स्टोरी आई है होपफुली, क्योंकि एनिवर्सरी है भाई तो इन लोगों को भाई एनिवर्सरी के लिए तो एटलीस्ट थोड़ा कंटिन्यू करनी चाहिए स्टोरी जो अपना स्टोरी मोड है।
और उसमें अगर हमें गिबलेट भी वापस देखने को मिलता है कि हाँ गिबलेट एज अ सरप्राइज रिवील हमें गिबलेट शेलोट की मदद करते हुए देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे भाई एज अ डार्क एलिमेंट नया गिबलेट ऑब्वियस बात है नया कैरेक्टर इन्होंने निकाला है। सो ये मेरा ओपिनियन है अगर ऑनेस्टली अगर हमें गिबलेट देखने को मिलेगा, और फिर डाउन द लाइन लेजेंड फेस्टिवल इस ईयर के लेजेंड फेस्टिवल तक मे बी अगर हमें शैलेट देखने को मिले, शैलोट और गिबलेट का जो बेसिकली फ्यूजन होता है, मे बी चाहे वो एज अ समनेबल कैरेक्टर हो या चाहे वो एज अ एफ टू पी कैरेक्टर हो एज अ अल्ट्रा, दैट वुड बी प्रीटी गुड। और यहाँ पर भाई इसको तो अल्टीमेट लगने वाला है, और यहाँ पे एज अ एफ टू पी कैरेक्टर गिबलेट ठीक है, काफ़ी अच्छा है। सो बट और बेटर हो सकता था, इन्होंने थोड़ा हेल्ड बैक किया है आई थिंक इसकी किट में, बट एज अ फर्स्ट डार्क एलिमेंट ही इन्होंने लाइक एज अ निकाला है। शैलोट के पास ऑब्वियसली है, बट दूसरा कैरेक्टर जो जिसके पास लाइक डार्क एलिमेंट है वो हमारा ऑब्वियसली गिबलेट है। और यहाँ पे देख सकते हो येलो कैरेक्टर्स के लिए भाई बहुत ज़्यादा पनिशमेंट है, येलो जितने भी कैरेक्टर हो गए जैसे येलो यूआई और येलो जो फ्यूजिंग वेजिटो है, फ्यूजिंग गोजीटा है, और पुराना वाला जो येलो अल्ट्रा सुपर वेजिटो है वो वाले, या फिर कोई भी येलो कैरेक्टर, उसके लिए भाई ये एक तरह से खतरा है। और बाकी ऑब्वियसली मेन एबिलिटी से तो ये डार्क एलिमेंट में जाता ही है। सो फिलहाल ये 7 स्टार पे है। मैं गिबलेट का एक और शोकेस ले आऊँगा 14 स्टार पे लाइक LBR में। मेरे पास अभी Z2 मेडल्स नहीं है, Z2 मेडल्स जिन लोगों के पास है आप लोग एक्सचेंज शॉप में जाइएगा, एक्सचेंज शॉप में जाने के बाद Z2 मेडल आते हैं, एक Z मेडल आते हैं एक Z2 आते हैं, वहाँ से आप लोग ज़ाहा आप लोग एक्सचेंज कर सकते हो, वहाँ से जो बेसिकली विलन होता है स्टोरी मोड में ज़ाहा एक्सचेंज कर सकते हो, सेन इन रेड कर सकते हो बेसिकली, जिसमें लाइक जब स्टोरी मोड में गिबलेट एज अ विलन होता है ज़ाहा के कंट्रोल में, वो वाला वर्जन भी एक्सचेंज कर सकते हो, और जो नया ये वाला है वो भी आप लोग यहाँ से एक्सचेंज कर सकते हो। सो अभी मेरे पास फ़िलहाल के लिए लाइक रिसोर्सेज कम है Z2 के लिए, तो मैं फ़िलहाल के लिए उसे एक्सचेंज नहीं कर सकता हूँ। सो मैं इसे LBR में शोकेस कर दूंगा एज अ 14 स्टार। अगर आप लोगों को पता है LBR में एज अ ट्रेनिंग बैटल में आप किसी भी कैरेक्टर को 14 स्टार ले जा सकते हो, और वहाँ पे आप इजीली उसे एज अ 14 स्टार पूरी टीम को आप एज अ 14 स्टार PvP में ले जा सकते हो लाइक ट्रेनिंग बैटल में, तो मैं उसके थ्रू 14 स्टार एज अ उसका शोकेस ले आऊँगा एक और। सो फिलहाल मैंने सेंस टीम में यूज़ किया है, सो लेट्स सी हम लोग दूसरे और टीम्स में क्या यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने इसे दिया है फ्यूचर ट्रंक्स का यहाँ पे ब्लास्ट आर्मर वाला ब्लू कार्ड बेसिकली शैलोट को, सो वहाँ से जी। ऑलराइट गाइस, सो लास्ट मैच यहाँ पे, और ये यूज़ कर रहा है सागा फ्रॉम मूवीज टीम। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद UI। सो होपफुली गाइस जो भी अल्ट्रा आए होपफुली मेरे को भाई मिल जाए, क्योंकि भाई मैंने ऑलमोस्ट 9000 CC इकट्ठे कर लिए हैं अभी, तो मेरे पास भाई बेसिकली 3 ही अल्ट्रा हैं। लाइक अगर कोई नया मेरे चैनल को देख रहा है मैं उन्हें बता देता हूँ, मेरे पास 3 अल्ट्रा हैं सिर्फ समनेबल, एक तो अल्ट्रा UI ये वाला, उसके बाद अल्ट्रा वेजिटो ब्लू जिसको मैंने अपनी लास्ट वीडियो में किया था शोकेस, जो मेरी प्रेडिक्शन की वीडियो थी Part 3 अल्ट्रा प्रेडिक्शन, उसमें मैंने फेस कैम भी किया है बाय द वे, सो वो वीडियो जाके देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका लिंक, जस्ट इस वीडियो से पहले वाली वीडियो है वो जाके डेफिनेटली देखो, उसमें फेस कैम भी किया है मैंने और अपने प्रेडिक्शंस बताए हैं कि मुझे क्या लगता है Part 3 में कौन सा अल्ट्रा या क्या हमें देखने को मिल सकता है। और ये 2 अल्ट्रा हो गए, अल्ट्रा UI अल्ट्रा वेजिटो ब्लू, और उसके बाद अल्ट्रा सुपर वेजिटो जो आई थिंक 4th एनिवर्सरी पर आया था मेरे ख्याल से येलो एलिमेंट का, राइट। तो मेरे पास 3 ही अल्ट्रा है, और एक चीज़ बताता हूँ बहुत फ़नी है, नहीं मेरे पास 3 ही समनेबल अल्ट्रा है, और ये तीनों के तीनों अल्ट्रा सुपर वेजिटो अल्ट्रा वेजिटो ब्लू और अल्ट्रा UI ये तीनों के तीनों मुझे 2 बार मिले लिटरली बैक टू बैक। लाइक मेरी समनिंग वीडियो आपको चैनल पे लाइक जाओगे एक्सप्लोर करोगे तो वहाँ पे मेरी पुरानी समनिंग वीडियोस मिल जाएंगी, ये तीनों के तीनों अल्ट्रा मेरे पहले अल्ट्रा थे समनेबल, और फनी चीज़ है ये तीनों ही कैरेक्टर मेरे को 2 बार मिले बैक टू बैक, इसके अलावा मेरे पास और कोई अल्ट्रा नहीं है। यहाँ पे आप साइड में लेआउट में स्क्रीनशॉट देख सकते हो, सिर्फ लिटरली मेरे पास 3 ही समनेबल अल्ट्रा है, और ये दोनों बैक टू बैक 2 कॉपी मिली मेरे को एटलीस्ट। लाइक एक कॉपी में आपको 5 स्टार का मिलता है, एक और कॉपी आपको जैसी मिलती है तो 8 स्टार का हो जाता है कैरेक्टर 8 स्टार का। तो वेरी फनी कि ये तीनों ही कैरेक्टर मुझे मिले मेरे लाइक फर्स्ट 3 समनेबल अल्ट्रा, और तीनों के तीनों मेरे को 8 स्टार पे मिल गए, लाइक 2 कॉपी लकी। लाइक मैंने किसी में 4000 CC लगाए, किसी में 6000 CC लगाए, किसी में 7000 CC लगाए, उसी में ही मेरे को 2 बार मिल गए बैक टू बैक, लाइक बहुत ही फनी था सीनैरियो। और उसके बाद अल्ट्रा UI के बाद भाई ये मेरा लास्ट अल्ट्रा था समनेबल, लाइक लकीली मुझे मिल गया था ये, सो इसलिए ऑब्वियसली मैं यूज़ भी कर रहा हूँ यहाँ पे इसे। सो काफ़ी अच्छा कैरेक्टर है ये, सो डेफिनेटली जिनके पास है उन्हें यूज़ करो ये अल्ट्रा UI को, काफ़ी अच्छा है।
और उसके अलावा अल्ट्रा एसएचडी 2 गोहान जो भाई अभी टॉक्सिक की डेफिनेशन चल रहा है गोहान बॉल लेजेंड्स में, सो वो मेरे पास नहीं है। अल्ट्रा जेनेम्बा आया था वो मेरे पास नहीं है। अल्ट्रा गोल्डन फ्रीज आया था वो मेरे पास नहीं है। अल्ट्रा रोजे आया था भाई, अल्ट्रा रोजे भी मैंने 2-3 बार समन किया था जब वो रिटर्न हुआ था, वो भी मेरे को नहीं मिला। लेकिन मेरे पास सिर्फ 3 ही अल्ट्रा है, सो इसलिए आई होप कि भाई एनिवर्सरी अल्ट्रा मिल जाए ये वाला। लाइक लास्ट ईयर एनिवर्सरी में मेरे को लाइक 5th एनिवर्सरी में लास्ट ईयर अल्ट्रा वेजिटो ब्लू मिल गया था मुझे 2 बार 6000 cc में, 6000 7000 cc में। सो होपफुली इस बार भी भाई ऐसा कुछ हो जाए। मैंने लाइक काफ़ी हफ्तों से भाई cc सेव करे हैं इसी चीज़ के लिए। यहाँ पर शेल और स्विच किया, सो आप सभी को भाई गुड लक जो भी लोग समन कर रहे हैं अल्ट्रा पार्ट 3 के लिए, सो सभी को गुड लक। और यहाँ पर लेट्स वेट। और गाइज यहाँ पे राइट साइड में मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट आपको दिख रहा होगा, इंस्टा @legendsrosey फॉलो कर सकते हो। और चैनल पे नए आए हो गाइज तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे इंडियन डीबल कम्युनिटी को सपोर्ट करो। और चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं ऑलमोस्ट डेली स्टोरीज पोस्ट करता हूँ। यहाँ पे भाई हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, मैं रश करना नहीं चाहता था बट ऑब्वियसली इट्स अ गिबलेट शोकेस, सो लेट्स गो। और यहाँ पर कमाल का यहाँ पे ब्लू कार्ड देखने को मिलता है, सो होपफुली आगे ये लोग गिबलेट में भी ऐसा कुछ करे ताकि हम लोगों को लाइक कस्टमाइज गिबलेट भी देखने को मिले, लाइक जो ब्लू कार्ड है हम लोग वो सिखा सके। मे बी आगे के उसके स्पार्किंग वर्जन या आगे के मे बी फ्यूचर LF या अल्ट्रा शैलेट का हमें देखने को मिले तो उसमें हमें एज अ गिबलेट की साइड में भी ऐसा मिले, जैसे अभी शैलोट के पास ऑप्शन होता है कि आप उसको लाइक कोई भी कॉस्ट्यूम पहना सकते हो और कोई भी लाइक कैरेक्टर का ब्लू कार्ड सिखा सकते हो। सो होपफुली ये चीज़ हमें गिबलेट भी देखने को मिले, लाइक ऑब्वियसली लाइक कम ऑन यार लेजेंड्स गिबलेट भाई शैलोट का ट्विन ब्रदर है और ऑलमोस्ट उसका इक्वल है, तो ऑब्वियसली उसके लिए भी करना चाहिए कुछ। ऑब्वियसली मेन कैरेक्टर हमारा शैलोट ही रहेगा बट गिबलेट भी भाई कम नहीं है, तो गिबलेट को भी भाई एज अ कोई भी कैरेक्टर, जैसे गिबलेट को हम कोई भी ब्लू कार्ड सिखा सकते हैं कोई अच्छा आगे, और भी लाइक ये वाला गिबलेट भी अच्छा है बट इससे भी और अच्छा लाइक और पावरफुल गिबलेट अगर आए आगे फ्यूचर में लाइव ये मे बी ऐसे जो गॉड फॉर्म में आए तो उस पर उसे हम एक तरह से सिखा सके कोई भी ब्लू कार्ड या ग्रीन कार्ड, सो वो काफ़ी अच्छा होगा। सो यहाँ पर लेट्स सी शैल उठ गया अपना, कोई नहीं यहाँ पर सिर्फ इसका एक ही कैरेक्टर बचा है। सो यहाँ पर हमारे पास गॉज पड़ा है, सो गॉज गया तो आई थिंक गिबलेट पे स्विच करना ठीक रहेगा। और यहाँ पर एनिमेशंस काफ़ी अच्छे हैं गिबलेट के, सो आई कॉन्ट वेट अगर जिस दिन हमें SSG गॉड गिबलेट मिलेगा, सो दैट्स प्रीटी गुड। सो जी जी गाइस मिलते हैं फिर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।